Assalamu alaikum, <clears throat> dear student, uh, today uh, we will read chapter 5, who gains and who lost from trade in respect of factual and theory. Uh, this lecture is supposed to uh, deliver at 6.30 p.m. Uh, but you know it couldn't happen because of some technical problem. The technical problem is that uh, <clears throat> this chapter is supposed to use uh, a whiteboard, a blackboard, whatever you called. But you know, I got uh, uh, a pen ma mouse. But uh, but what is what happened to this? It was <coughs> it was not working, and I couldn't uh, uh, make any. Uh, <coughs> I mean, bind to make it possible that it can I can write on the whiteboard through this uh, pen mouse. तो देट वॉज द प्रॉब्लम और इसकी वजह से जो है क्या कहते हैं आई ट्राइड टू गेट द बैन फ्राम अदर पर्सन वट यू नो नो वन कुड सक्सेसफुलट तो आई हैव नो अदर चॉइस बट टू मेक दिस लेक्चर ऑनलाइन एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर लेक्ट इट एंड जो एक टाइम है गिवेन मैं कोशिश करूंगा कि उसी में से दूर थोड़ा सा क्विकली होगा क्विकली इन द सेंस बिकॉज देर इज़ नो क्रॉस क्वेश्चनिंग इट इज़ अ सिंपली अ मोनोलॉग वट एवर आई एम एक्चुअली रिकॉर्डेड एंड डिलीवर्ड टू यू ओके दिस इज चैप्टर फाइव एंड चैप्टर फाइव हु गेंस एंड हु लूज फ्राम द ट्रेड ये बड़ी सिंपल सा है ये एक इसके अंदर एक थ्योरम है बट uh, मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि बहुत ज़्यादातर लोगों ने उसको बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है और उसको बोर्ड के जरिए से बहुत ही आराम से जो है इसको समझाया जा सकता है तो ये है थोड़ा सा जिसकी वजह से ओके वी वी स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चैप्टर फाइव शॉर्ट रन इफेक्ट्स ऑफ ओपनिंग ट्रेड एंड द लॉन्ग रन इफेक्ट वाट इज शॉर्ट रन इफेक्ट ये हमने इसमें थोड़ा सा दिया हुआ इसके ऊपर शॉर्ट रन के अंदर यही होता है कि हम कहते हैं अगर आपके पास दो फैक्टर्स हैं तो उसमें से कोई एक कॉन्स्टेंट है या उसके अंदर चेंजेस नहीं आ रही हैं लॉन्ग रन का मतलब होता है कि एवरी थिंग विल बी चेंज ऑन द लॉन्गर टाइम पीरियड तो शॉर्ट रन के अंदर ये यही है कि विद फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टाइड टू दियर करंट लाइन ऑफ प्रोडक्शन गेंज अगें लॉसिस तो है जैसे हमने देखा कि हमारी जो एग्जाम्पल चल रही थी हम उसी को लेकर चलेंगे कि एक यू एस है और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ये दो नेशन है हमारे पास एंड टू प्रोडक्ट्स वन इज़ वीट एंड अदर इज क्लोदिंग तो क्लोदिंग के अंदर जो है अगर एक कंट्री जो है वो अब किसी फैक्टर्स और प्रोडक्शन में फॉर एग्जाम्पल कि यू एस है तो उसके अंदर वीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है इसलिए कि वो वीट जो है वो आ, उसको कंपेरेटिव एडवांटेज हासिल है उसके अंदर तो वो वीट प्रोड्यूस करता है तो इट मीनस कि वो एक जो है सेक्टर होगा जो कि गेन कर रहा होगा और दूसरा जो है वो लॉस क्या है कि उसकी प्रोडक्शन यू के अंदर क्लोदिंग की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई है तो अब यह है कि ये जो चीज़ भी प्रोड्यूस की जाती है वो उसके लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि जनाब के हमारे पास दो ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एक लैंड है और दूसरा जो है वो लेबर है तो ये जो है जो वीट की प्रोडक्शन है वो लैंड इंटेंसिव कह लें आप वो है और जो टेक्सटाइल है या जो क्लोथिंग है ये इसका ये जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक है इसमें लॉन्ग रन फैक्टर प्राइस डिज इन शॉर्ट रन में क्या था कि वो यही था कि वो मूव नहीं हो सकते थे तो यहाँ पर है कि मूव हो सकते हैं इन द लॉन्ग रंग वेजेज रेट एंड अप लोअर इन दल यू एस वर्कर्स एंड हायर फॉर ऑल फॉरन वर्कर्स तो ये हम देखेंगे उसके ऊपर यहाँ पर जो लिखा है लिखा हुआ है फॉर ऑल फॉरन वर्कर्स फॉरन वर्कर्स मीन द वर्कर्स वर्किंग इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो हमने एक दूसरा कंट्री जो है उसको सपोज किया हुआ है ऑल लैंड रेंट एंड अप हायर इन द एस एंड लोअर इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिलेटिव टू इट्स लेवल विथ नो ट्रेड अब हम आते हैं इसके ऊपर कि ये किस तरह से होगा देखें एक ऐसा ये एक जो है एक डायग्राम एक, एक, एक सिंपली सा एक बनाया हुआ है आपकी बुक के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए हमने इससे पहले यही पढ़ा था कि देर आर टू कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स एंड वर्ल्ड दिस कॉलम ये इसके अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिकारूनाइटेड स्टेट को जाहिर कर रहा है और ये वर्ल्ड को जाहिर कर रहा है इनिशियल प्राइसिस वन देयर वाज नो ट्रेड क्या था वीट चीप था ठीक है यह हमने देखा तो उसके क्लॉथ रिलेटिवली एक्सपेंसिव था ठीक है और जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वीट रेलेटिवली एक्सपेंसिव था जबकि क्लॉथ जो था वो चीप था इसलिए क्लॉथ के ऊपर जो है यहाँ पर रेलेटिवली कम लेबर चाहिए थी और वीट के अंदर ज़्यादा लेबर हो रही थी जबकि यहाँ पर क्या हो रहा था <coughs> कि वीट के अंदर कम लेबर चाहिए थी और क्लॉथ को प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा लेबर चाहिए थी तो ये एक हमारा जो है क्या कहते हैं हाइपोथेटिकल एक प्रोडक्शन मेथड था अब हुआ ये कि जनाब कि ये ट्रेड स्टार्ट होती है जब ट्रेड स्टार्ट होती है विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन विदाउट गवर्नमेंट इंसेंटिव तो क्या होता है कि जो चीपर होगा जो मुल्क वो ख़ुद ब खुद लोग वहाँ बनाना शुरू कर देंगे वीट चीपर है यहाँ पर महंगा है ट्रेड स्टार्ट हो गई तो फ़ौरी तौर पर ये यह जो यहाँ प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर भेजना शुरू कर देगा अगर यहाँ पर उसको भेजना है तो इसका मतलब इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है और वो इसकी प्रोडक्शन कम कर देगा क्योंकि वो क्लॉथ एक्सपेंसिव है वहाँ पर ज़्यादा लेबर है लेबर यहाँ से वीट के पास आएंगे और ये एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा अब यहाँ पर क्लॉथ की जो है वो किल्लत हो गई है तो क्या होगा फिर ये जो है क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है वीट उसके मुकाबले में चीप है तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्ल्ड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जो वीट की है डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि महंगी है और इम्पोटेड वीट जो है वो सस्ती है तो लोग सस्ती वीट को ख़रीद रहे होंगे और इम्पोर्टेड वीट को ही ख़रीद रहे होंगे तो उसकी वजह डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है इसकी ख़त्म होना शुरू हो जाएगी ग्रेजुअली और फिर जब ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी तो फिर वो कहाँ पर जाएगी लेबर वो यहाँ पर आएगी यहाँ पर जो है क्लॉथ ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा जो कि फिर इसको ये यह यहाँ एक्सपोर्ट कर देगा तो देखें इसके अंदर यही है कि जब ट्रेड स्टार्ट हुई है तो वीट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम यू एस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इन रिटर्न वट इज हैपनिंग द प्रोडक्शन ऑफ द क्लॉथ इंक्रीज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज एक्सपोर्टेड टू वीट ये हमने इसके ऊपर देखा था अब आप देखें यहाँ पर हो क्या रहा है वीट की प्रोडक्शन बढ़ी और वीट की सप्लाई जो है वो यहाँ से यहाँ जाने लगी जब यहाँ से यहाँ जाने लगी तो वीट की प्राइस बढ़ गई और यहाँ पर वीट की प्राइस क्योंकि पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स वो महंगी थी इम्पोर्टेड आने लगी तो वीट की प्राइस यहाँ पर डाउन हो गई सिमिलरली क्या हुआ वहां पर भी ये हुआ क्लॉथ के अंदर की यहाँ पर क्लॉथ की प्राइस बढ़ गई क्योंकि ये प्रोडक्शन बढ़ी उन्होंने यहाँ पर भेजना शुरू कर दी सारी जिसकी वजह से और यहाँ पर क्लॉथ महंगा बन रहा था तो लोगों ने बनाना कम कर दिया इनको इम्पोर्टेड सस्ता पड़ रहा था तो यू के अंदर प्राइस ऑफ वीट अप हुई है और प्राइस ऑफ क्लॉथ डाउन हुआ यानी कि जिसकी एक्सपोर्ट है उसकी प्राइस बढ़ी है एक्सपोर्ट करने वाले की और इम्पोर्टेड जो मटेरियल है उसकी प्राइस डाउन हुई है सिमिलरली यहाँ पर भी हुई है कि वीट की प्राइस जो है यहाँ डाउन हुई है जो इनको इम्पोर्ट हो रही है और जो एक्सपोर्टेबल इनका जो है कमोडिटी uh, क्लॉथ उसकी प्राइस बढ़ गई है तो इसका मतलब यही हुआ यहाँ पर कि प्राइस ऑफ वीट अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर इम्पोर्टेड होने की वजह से कम हो रही है तो लोग अब जो है वो कम वीट प्रोड्यूस करेंगे और क्लॉथ को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे इसलिए कि क्लॉथ की प्राइस बढ़ रही है और सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है इसके ऊपर कि प्रोडक्शन रिस्पॉन्ड क्या होगा प्राइस की वजह से कि जब प्राइस क्योंकि इसकी बढ़ रही है तो सप्लाई उसकी बढ़ेगी सप्लाई बढ़ने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन उसकी बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने का मतलब यह है कि उसकी इम्पोर्ट बढ़ जाएगी इसलिए कि उसकी प्राइस डाउन हो रही है अब हम आते हैं यहाँ पर इस पर क्या लिखा हुआ है कि ये इन द यूनाइट फॉर ईच यूनिट ऑफ क्लॉथ सेक्रीफाइस ठीक है ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जरा समझने के लिए कि हम जो क्लॉथ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि उसका वर्कर कहाँ जा रहा है उसका वर्कर बेरोजगार हो रहा है तो उसका वर्कर्स कहाँ पर जाएगा वो वीट की प्रोडक्शन के ऊपर जाएगा ठीक है ना और उसकी वजह से क्या होगा देखें अब इसमें क्या हो रहा है फॉर ईच यूनिट ऑफ क्लॉथ सेक्रीफाइज मैनी वर्कर्स एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड लेड ऑफ अगर आपने प्रोडक्शन जो है क्लॉथ की खत्म कर दी है तो क्या हो रहा है उसके ऊपर वो लोग भी बेरोजगार हो गए और आपका आपके पास जो है लैंड जो है एक फालतू बची हुई है क्योंकि उसके ऊपर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो अगर आप जो है क्लॉथ प्रोड्यूस करना बंद करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वर्कर्स भी जो है क्या कहते हैं आपको सेक्रीफाइस को जो है बेरोजगार कर रहे हैं और साथ साथ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड जो है उसकी सप्लाई भी बढ़ रही है अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो एक्स्ट्रा डिमांड है क्योंकि वीट की जो बढ़ रही है डिमांड जब वीट की डिमांड बढ़ रही है किस लिए इसलिए वो बाहर जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको प्रोड्यूस करने के लिए क्या चाहिए होगा मजीद वर्कर्स चाहिए होंगे और थोड़ी सी लैंड भी चाहिए होगी तो वो यही है जो यहाँ से प्रोडक्शन ख़त्म करने पर क्लॉथ की प्रोडक्शन ख़त्म करने पर जो रिलैक्स हो रहा है यहाँ से लेबर और लैंड वो कहाँ यूज हो रहा है वो वीट के लिए यूज हो रहा है अब इसकी वजह से क्या हो रहा है लेबर बेरोजगार हो रहा है इसका मतलब लेबर की सप्लाई बढ़ रही है जब लेबर की सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा वेज रेट गिरेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है नेशनल फैक्टर के अंदर जो फैक्टर प्राइस है उसका ठीक है ना अभी हम प्रोडक्ट प्राइस की बात नहीं कर रहे बल्कि फैक्टर प्राइस की बात कर रहे हैं कि क्योंकि वो सिर्फ जो है लैंड इंटेंसिव टेक्निक की चीज़ें बना रहा है तो इसका मतलब है कि लेबर जो है वो ज़्यादा सप्लाई हो रही है उसकी तो उसकी वजह से क्या होगा वेज रेट कम हो जाएगा लेकिन क्योंकि लैंड की जो है डिमांड बढ़ रही है लैंड इसको ज़्यादा चाहिए तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लैंड की प्राइस है लैंड की प्राइस क्या है रेंट है जैसे वर्कर की प्राइस वेज है वो वर्कर्स की सप्लाई बढ़ गई तो वेज रेट फॉल हो गई लेकिन उसमें क्या हुआ ये जो रेंट है ये बढ़ जाएगा पर इसलिए इसकी डिमांड बढ़ गई है तो अब इसमें क्या हो रहा है इसका मतलब ये है कि जनाब गेन किसको हो रहा है इसके अंदर अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे फैक्टर्स के अंदर किसको है गेन हो रहा है लैंड ओनर्स को इसलिए उसका रेंट बढ़ रहा है वीट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ज्यादा जमीन चाहिए तो ज्यादा जमीन चाहिए तो जमीन का किराया जो है जो जमीन की जिनके जो मालिकान है वो ज्यादा किराया चार्ज करेंगे ज्यादा रेंट चार्ज करेंगे तो उनको फायदा होगा लेकिन दूसरी तरफ जो है जो लेबर इंटेंसिव जो चीज़ें थी क्योंकि वो अब लेस प्रोड्यूस हो रही हैं तो वो बेरोजगार हो रहे हैं तो फिर उसकी वजह से उनकी प्राइस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी यानी कि वेज रेट कम हो जाएगा तो लूजर इसके अंदर कौन से हुए ये लेबर हुआ लेबर जो थे लेबर जो थे वो लूजर है इसके अंदर और जो लैंड ओनर है वो आ, इसमें गेन वो गेन कर रहे हैं बिल्कुल आ, जो है एक रेसिप्रोकल जो है यहां पर हो रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए फॉर ईच यूनिट ऑफ वीट मच लैंड एंड फ्यू वर्कर्स ठीक है ना कि इसमें क्या हो रहा है कि नहीं जनाब इसमें बहुत सारे जब आप वीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा उसके ऊपर वीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे इसका मतलब वो लैंड छोड़नी पड़ेगी इसका मतलब है कि ना यू हैव बंड ऑफ लैंड लैंड आपके पास जो है अब ज़्यादा है इसलिए कि वहाँ पर लोग बजाय काश्तकारी करने के वीट को उगाने के वहाँ पर ये आप क्लॉथ को जो है प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं फैक्ट्रीज लगाना चाह रहे हैं उसके लिए भी ज़मीन की ज़रूरत होगी और इसकी वजह से क्या होगा कि जनाब ये लेबर इंटेंसिव है ये ये सारा का सारा क्लॉथ जिसके अंदर जो है लेबर ज़्यादा चाहिए होता है अब क्या हो रहा है उसको यहाँ पर क्या फॉर ईच यूनिट ऑफ वीट सेक्रीफाइस मच लैंड एंड फ्यू वर्कर्स लेड ऑफ ठीक है एक्स्ट्रा क्लॉथ डिमांड मैनी वर्कर्स एंड लिटिल लिटल लेकिन जो डिमांड है वो क्या है क्लॉथ की वर्कर्स की ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पर इसलिए कि जो वीट प्रोड्यूस किया जा रहा था उसके अंदर वर्कर इतने ज़्यादा नहीं थे लेकिन जो गारमेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है उसके अंदर वर्कर्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें जो है ज़मीन तो बहुत ज़्यादा मौत उसकी जो है क्या कह कहते हैं सप्लाई बढ़ गई है तो जिसकी वजह से क्या होगा रेंट कम हो जाएगा लेकिन लेबर की क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ गई है इसलिए लेबर ज्यादा चाहिए तो तो उसके वजह से वेज़ रेट बढ़ जाएगा तो अब यहीं पर पर क्या हो रहा है यहां पर? कि जनाब क्लॉथ ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से वेज रेट इज इंक्रीज वाइल द रेंट फॉल ठीक है ना अब जो रेंट होगा वो ज़ाहिर बात है चाहे कोई भी सेक्टर हो जमीन तो जरूरत होती है इसमें हम <laughs> इसमें यही है इसका पहला ये था कि नहीं जनाब क्या कहते हैं कि परफेक्ट सब सब्ट, है आ, सब्टिट्यूड जो है वो हो सकता है लैंड मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर लैंड कैन बी यूज इन दी प्रोडक्शन ऑफ और और सेटिंग अप ऑफ अ फैक्ट्री हम इसको जो है ये कह सकते हैं ये था तो जो मैंने बताया था आपको शॉर्ट रन है इसके अंदर ये ठीक है ना इसलिए कि जैसे ही होगा फौरी तौर पर चीज़ें जो है क्या कहते हैं ये बढ़ जाएंगी ये शॉर्ट रन इफेक्ट है लॉन्ग रन रिजल्ट क्या है प्रोडक्ट प्राइस एकवलाइज बिटवीन कंट्रीज ठीक है ना ये इससे पहले भी मैंने आपको लेक्चर बताया कि भाई ये ट्रेड कब तक होगी वो था ना जहाँ पर हमने आपको बताया था इसके ऊपर कि जो है प्राइस रेशो था वहाँ पर कि जनाब यहाँ से चीज़ जा रही है तो उसकी प्राइस बढ़ रही है और वहाँ पर कम हो रही है तो एक वक्त ऐसा है कि दोनों मुल्कों के इतने प्राइस जो है वो बराबर हो जाएगी तो फिर आपके लिए फिजिबल बिल्कुल नहीं रहेगा कि आप एक्सपोर्ट करें या इम्पोर्ट करें ठीक है तो इसके ऊपर भी यही है कि जनाब की लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा कि दोनों कंट्रीज के अंदर जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो इक्वलाइज आएगी प्रोडक्ट की प्राइस इक्वलाइज होने का क्या मतलब है जाहिर है कि उसके इनपुट कॉस्ट के ऊपर भी इसी तरह से फर्क पड़ होगा नेट गेन फॉर बोथ कंट्रीज बट डिफरेंट इफेक्ट ऑन डिफरेंट ग्रुप्स विनर क्या है यूएस के अंदर कौन सा विनर है लैंड ओनर्स ठीक है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या है वर्कर्स ये विनर्स यही हुआ था ना यहाँ पर लॉन्ग रन के अंदर भी यही होगा कि जनाब विनर कौन है विनर जो है वही लैंड ओनर्स हैं इसलिए कि ज़्यादा लैंड जो है वो चाहिए होगी और यहाँ पर जो है ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होंगे तो इसकी वजह से वर्कर्स की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी लूजर्स कौन है लूजर्स कौन, है? लूजर्स कौन से यू यूएस के अंदर वर्कर्स हैं इसलिए कि यहाँ पर वेज रेट कम हुआ है और यहाँ पर जो लूज़र है वो क्या है ये वो हैं जो कि जिनका ज़मीन का जो उनका जो किराया है जो जो रेंट है वो जो है उसका कम हुआ तो वो लोग लूजर हैं यहाँ पे ये किसकी वजह से हो रहा है ये फ्री ट्रेड ने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से इम्पेक्ट किया है ये एक्चुअली एक चार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा है कोई भी क्वेश्चन हो हम इनशाला नेक्स्ट के अंदर इसको डिस्कस करेंगे दोबारा इसको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा अच्छा फिर इसी तरह से इन्होंने इसको लॉन्ग रन शॉर्ट रन में जो है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं बता दिया है ये मैं आपको जाके थोड़ा सा आगे जो है ना इन ये मैं एक्सप्लेन करूँगा ऊपर जो है ये वाला शॉर्ट रन का है जो आपको बता दिया गया है आप देखें कि वीट के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लैंड ओनर्स को गेंद हुआ है और ये जनाब के लेबर्स को गें हुआ है क्लॉथ सेक्टर के अंदर दोनों को लूज हुआ इसलिए क्लॉथ सेक्टर पूरा लूज है तो इसमें दोनों तरफ लूज ही लूज है ठीक है वीट के अंदर तो इसमें यही है कि जनाब के लॉन्ड लैंड ओनर्स भी इसमें है और क्योंकि लेबर भी ज्यादा चाहिए वहां पर वीट में तो वहां पर जो है क्या कहते हैं ये लेबर जो है वो दोनों फायदे में है <coughs> इसकी वजह क्या है कि ये जनाब की शॉर्ट टर्न में हम कह रहे थे कि जनाब की ये आ, उसका जो ये ये, ये जो मोबिलिटी है वो इफेक्ट होती है वो परफेक्ट नहीं हो सकती बिल्कुल इसी तरह से जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर है कि वीट्स वाले तो लूजर हैं इसलिए कि जनाब के वीट जो है वहाँ से इम्पोर्ट होकर आ रहा है तो चाहे वो लेबर हो वो भी और चाहे वो लैंड ओनर्स हैं वो दोनों दोनों ही जो है क्या कह कहते हैं लूजिंग के ऊपर है लेकिन क्लॉथ के अंदर जो है वो दोनों ये इसके ऊपर मतलब ये है कि शॉर्ट रन के अंदर अगर कोई सेक्टर गेन कर रहा होगा तो उसके सारे फैक्टर्स गेन कर रहे होंगे ठीक है जैसे यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दोनों गेन कर रहे हैं और यहाँ पर दोनों लूज कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं लेकिन जब लॉन्ग टर्म में आते हैं तो फिर ये थोड़ा सा जरा सी मुख्तलि होता है किस तरह से हाउ इट इज डिफरेंट कि लैंड ओनर्स का तो आपको समझ में आ गया यूनाइटेड स्टेट्स तो के अंदर की जाहिर ज्यादा लैंड चाहिए तो लैंड ओनर जो है वो अपना रेंट बढ़ा देंगे बट वट अबाउट लेबर्स हाउ दे लूज हाउ दे आर द दूजर दिस इज एक्चुअली तो लूज कौन कर रहा है ये वही लोग कर रहे हैं वहाँ पर क्योंकि वो यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे कहाँ से क्लॉथ वाले से क्लॉथ के अंदर तो जो लेबर चाहिए था वो पहले ही जो है क्या कहते हैं ज़्यादा इस पर लग रहा था ज़्यादा लेबर लगने का मतलब यही होता है ना कि वो ज्यादा एक्सपेंसिव है कम लेबर लगने का मतलब होता है कि कम एक्सपेंसिव है वो कहीं अगर किसी एक यूनिट प्रोडक्शन के लिए कहीं पर चार लेबर लग रहा है कहीं पर दो लेबर लग रहा है तो इट मीनस की जो तो चार लेबर जहाँ ज़रूरत है दिस इज़ एक्सपेंसिव ठीक है कि इनपुट उसके ऊपर ज्यादा आपको खर्च करना पड़ रहा अब यहाँ पर चार लेबर जब ये पे डिस्चार्ज होता है तो लॉन्ग रन के अंदर फिर यही होगा कि दोनों सेक्टर के अंदर क्योंकि ये अपना जो है बंद कर रहा है प्रोडक्शन ये भी प्रोडक्शन बंद कर रहा है तो ओवरऑल जो लेबर है वो लूज ही करेगा दोनों सेक्टर के अंदर क्योंकि एक जगह जाकर बहरहाल ऐसा नहीं होता कि हंड्रेड परसेंट बिल्कुल ही जो है कोई सेक्टर बंद हो जाए ऐसा नहीं होता बल्कि थोड़ा बहुत जो है वो रह रहा होता है क्योंकि एक कु न कफ एक चीज़ होती है जो कि यहाँ पर भी जो है अप्लाई होता है उसका कि जब किसी चीज में बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ आ रहा होता है तो उसमें इक्वालिटी जो है नहीं आ रही होती पहले ज़्यादा जो है क्या कहते हैं डिस्पैरिटी होती है फिर लेकिन उसके बाद जो है लॉन्ग रन के अंदर वो दोबारा पैरिटी जो है आ जाती है उन फैक्टर्स के अंदर तो इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि जनाब की ये लेबर जो है वो लूज़ कर रहा होगा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर भी ज़ाहिर बात है इसी तरह से अगर लेबर जो है दोनों तरफ गेन कर रहा होगा इसलिए कि अगर एक तरफ जो है ये यहाँ से लेबर निकल के वहाँ जा रहा है और लेबर वहाँ सस्ता है तो जो पीछे जो जहाँ से लेबर जो है वो रिलैक्स किया जा रहा है रिलीज किया जा रहा है तो वहाँ पर उस सेक्टर के अंदर भी जो वेज रेट कम हो जाएगा अच्छा अब इसमें आ जाते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ द ऑल इन मॉडल यहाँ पर इसके जो है ना

स्पेशलाइज्ड फैक्टर पैटर्न होता है और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम ये सारे के सारे आप समझिए कि तीनों स्टॉल पर सिमिलसन ने ही एक तरह से किया हुआ है इंप्लिकेशन को और ये एक तरह से उसके तीन डिफरेंट जो है आ, हम कहेंगे डायमेंशन हैं और ये स्टॉल पर सिमिलसन थ्योरम जो है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है स्पेशलाइज फैक्टर पैटर्न के नाम से भी जाता है

क्या चीज़ें वो इफेक्ट जो कर सकते हैं इट रेज द रियल रिटर्न टू द फैक्टर यूजेंसिवली इन द रिंग प्राइस इंडस्ट्री और ये कौन सी होगी ज़ाहिर बात है इन केस ऑफ यू एस जो राइजिंग प्राइस इंडस्ट्री है वो वीट है और जबकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर वो क्लॉथ है इट लोअर्स द रियल रिटर्न टू द फैक्टर यूज फॉलिंग प्राइस इंटेंसिटी मतलब ये है कि जो फॉलिंग है उसके अंदर जो है वो रिटर्न लो होगा यानी कि वो लूजर होंगे ठीक है और जबकि जो जिस आ, का प्राइस बढ़ रहे होंगे वो क्या होगी वो गेनर होगी या हम यही कह सकते हैं कि रियल रिटर्न जो है वो रेस हो रहा है तो वो वो गेनर है जैसे हमने इसमें पहले बताया था कि इसमें क्या हो रहा है लैंड ऑनर जो है जो अब फैक्टर है वो लैंड का है जो क्योंकि यहां पे वीट प्रोड्यूस हो रही है तो इस तरह से हर जगह लैंड ओनर जो हैं वो जीत रहे होंगे या वो गेन कर रहे होंगे ज़्यादा और बाकी जो है वो लूज कर रहे होंगे मतलब ये है कि लेबर प्राइस यहाँ पर कम हो जाएगी जो कि यहीं पर यही चीज़ बताई गई है कि लोअर द रियल रिटर्न टू द फैक्टर यूज इंटेंसिवली इन द फॉलिंग प्राइस इंडस्ट्री फैक्टर रेशियो पैराडॉक्स फिर ये फैक्टर रेशोज की बात आती है द इफेक्ट ऑफ ट्रेड ऑन फैक्टर से लॉन्ग रन कि हमने जैसे इसके अंदर कहा था कि यू एस के अंदर वीट क्योंकि ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और ये जो है वो श्रिंक होता जा रहा है क्लोदिंग सेक्टर तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी लेबर जो रिलैक्स होगी वो वहाँ पर जाके एडजस्ट होगी और ये लॉन्ग रन के अंदर ये प्राइस सिर्फ और सिर्फ वीट के सेक्टर के ऊपर नहीं आएगी बल्कि ओवरऑल जो क्लोदिंग सेक्टर है उसके भी जो है जो वेज रेट है उसको इफेक्ट करेगी और साथ साथ जो एक जिसको हम कहेंगे कि लैंड का जो रेंट है उसको भी इफेक्ट करेगी अच्छा जी अब इसको उन्होंने थोड़ा सा ये समझाया हुआ इस तरह से नंबर्स के जरिए से नंबर्स के जरिए से क्या है इसके अंदर कि जनाब बिफोर विथ नो ट्रेड जब कोई ट्रेड नहीं हो रही थी तो आउटपुट इसकी वीट की फिफ्टी थी क्लॉथ की फोर्टी थी लैंड यूज़ हो रही थी क्योंकि ज़रा बात लैंड क्या कहते हैं लैंड इंटेंसिव प्रोडक्ट है ये वीट तो वहाँ पर लैंड थर्टी फाइव यूज़ हो रही थी फॉर एग्जाम्पल और लेबर भी हम कहते हैं कि जनाब की थर्टी फाइव थाउजेंड एकर है और ये थर्टी फाइव थाउजेंड है फॉर एग्जाम्पल लेबर जो है यहाँ पर यूज़ हो रही थी क्लॉथ के अंदर क्या थी लैंड इसमें इतनी ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं होती है एज कम्पेयर टू दिस तो अट्ठारह इसकी यूज़ हो रही थी एंड लेबर इज़ यूज एज सिक्सटी फाइव राइट अब क्या हो रहा है इसके अंदर क्योंकि देखिए ये सस्ता इसी वजह से ना कि लेबर कम यूज हो रही है सही है तो इसी वजह से जो है क्या कहते हैं ये चीज़ सस्ती है <coughs> इसका रेशो क्या है अगर हम कहेंगे लैंड लेबर रेशो लैंड लेबर रेशो यहाँ पर वन है। और यहाँ पर क्या है जीरो पॉइंट टू सेवन सेवन अब होती है फ्री ट्रेड फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि अब जनाब वीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी वीट ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ जो अट्ठारह जो एक लैंड यूज था वो शिफ्ट कहाँ हो रहा है इधर आ रहा है थर्टी फाइव के अंदर जो है आपने थर्टीन ऐड किया तो फोर्टी एट हो गया बाकी रह गया फाइव यहाँ पर क्लॉथ की प्रोडक्शन ट्वेंटी रहेगी और वीट की प्रोडक्शन एट्टी होगी फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल उसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर जरा सी ये मैं एक और स्लाइड शेयर करता हूँ आपसे जो हमने लास्ट टाइम देखी थी चैप्टर फोर के अंदर यही थी ना कि वीट की प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो गई है एट्टी हो गई है और ये 20 हो गई है जो हमने देखा था वही चीज़ यहाँ पर भी हो गई है एट्टी प्रोडक्शन हो गई है और ट्वेंटी क्लॉथ की प्रोडक्शन हो गई है तो लैंड का जो यूज है वो बढ़ गया है इसी तरह से जब लैंड बढ़ाई तो आपको लाजमी तौर पर ये भी बढ़ाना पड़ेगा। लेबर भी लेबर आपने ट्वेंटी बढ़ा दी तो 64 हो गई और यहाँ पर 36 रह गई अब जो रेशो आ रहा है फोर्टी एट ओवर सिक्सटी फोर जीरो और यहाँ पर क्लॉथ का क्या है फाइव ओवर थर्टी सिक्स तो ये डाउन हुआ है ये भी लैंड हुआ और ये भी क्या हुआ है डाउन हुआ है जबकि जाए तो ओवरऑल तो लाजमी तौर पर जो है वो सेम ही रहेगा जब ये डाउन होती तो क्या होता है ये एक थोड़ा सा जो है क्या कह कहते हैं समझने की चीज़ है ये आपको चैप्टर सॉरी uh, ये आप पेज सेवेंटी के ऊपर जो है कि एक्सटेंशन है फैक्टर रेशियो पैराडॉक्स ये आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर जो है ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इसके अंदर इसमें इसका जो लास्ट पैरा है ये एक्चुअली जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या हो रहा है इसके अंदर कि जनाब के अगर लैंड uh, uh, ये रेशो क्योंकि क्या हो रहा है पहले से डाउन हो गया पहले वन था ठीक है लेकिन ये नीचे आप देखें क्या हो गया ज़ीरो पॉइंट सेवन फाइव हो गया इसी तरह से पॉइंट टू सेवन सेवन से ये भी डाउन हो के वन थ्री नाइन हो गया है तो फिर क्या होना चाहिए सॉरी मैं बार बार शायद मौजूद के क्लास सामने मौजूद है हाँ तो ज़ाहिर इसका मतलब यह है कि इस इस रेशो को जो है ये किसके फेवर में जा रहा है इसके अंदर तो हम देख सकते हैं कि जनाब की ये सॉरी कहाँ चला गया ये लैंड के फेवर में जो है एक तरह से जा रहा है लैंड ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि लैंड का जो रेंट है वो बढ़ता चला जाएगा तो ये रेशो जो है कम करने की कोशिश की जाएगी कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा ये इसका वेज रेट तो ये अंदर लॉन्ग रन जो है ये हो जाएगा इसमें इसको बहुत ज़्यादा समझ इस मतलब इसका एक बड़ा एक ए, सिंपल सा भी एक मेथड हो सकता था इफ आई विश के आई कोड अ बोर्ड ओवर हेयर तो फिर मैं आपको समझा सकता लेकिन इन हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे कि ऐसा हो कि ये जो लॉकडाउन का जो है ये जैसे पहले था कि जो हायर क्लास हायर एजुकेशन क्लासेस हैं एम के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया था कर दें तो फिर ये जरा ज़्यादा आसानी से हम समझा देंगे आपको अच्छा जी स्पेशलाइज फैक्टर पैटर्न का द मोर फैक्टर इज़ स्पेशलाइज्ड एंड कंसंट्रेटेड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट हुज रिलेटिव प्राइस इज़ राइजिंग द मोर दिस फैक्टर इस्टेंड्स टू गेन इसमें एक मैथमेटिकल uh, एक uh, ये पेज uh, 71 पे जो है इन्होंने दिया हुआ है कि प्राइस ऑफ वीट के फैक्टर्स uh, कौन से हो सकते हैं और प्राइस ऑफ क्लॉक जो है उसके फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं कि इसमें जिस तरह से हम करते हैं कि एक लेट्स uh, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा करता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा शो करता हूँ आपको फॉर <coughs> एग्जांपल कि प्राइस है ये प्राइस ऑफ वीट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जना प्राइस ऑफ वीट जो है वो इज़ इक्वल टू क्या होता है हमेशा जो मार्जिनल कॉस्ट होती है उसी के बराबर होता है ना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ वीट हमारा जिसको हम कहते हैं कि जनाब ये परफेक्ट कंपटीशन में तो यही सूरत हाल होती है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होती है उसी के बराबर जो है प्राइस होती है अब इसमें क्या चीज़ है एक है जनाब रेंट एक इसका एलिमेंट है सही सॉरी एक रेंट का एलिमेंट है और एक जो है वो वेज का एलिमेंट है राइट right? बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं इसको थोड़ी देर में कॉपी कर लूँ कंट्रोल सी ये हम कहते हैं कि जनाब फॉर एग्जांपल क्लॉथ का ये ठीक है, तो प्राइस ऑफ क्लॉथ क्या होगा प्राइस ऑफ क्लॉथ वो भी जाहिर बात है इसी तरह से ही होगा कि जनाब के इसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है ये एक्चुअली इसके बराबर होगा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर जो होगा वही होगा इसमें से एक फैक्टर जो है वो रेंट का है और एक वेज का फैक्टर है लेकिन कितना वेज का फैक्टर है इसमें से एक इसका कोफिशंट फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं कि ये ए है और ये बी है इसी तरह से हमने इसको कह दिया कि जनाब ये सी है और ये हमने कह दिया कि डी है फॉर एग्ज़ाम्पल तो प्राइस ऑफ वीट और ये अब इसमें कह दिया कि जनाब जब प्राइस ऑफ वीट जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस की जा रही है और हम अज्यूम करते हैं कि जनाब के प्राइस ऑफ क्लॉथ जो है वो कांस्टेंट है तो इसके बाद तो उसको तो मार्जन जो कॉस्ट है वो भी कांस्टेंट है और अगर ये वीट की प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है रेंट बढ़ रहा है ठीक है ना इसका मतलब क्या है रेंट बढ़ा है ना इसका जो हमने आपको बताया था कि जना रेंट की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी अच्छा अब ये चीज़ें बराबर होनी चाहिए ठीक है अभी हमने ये सपोज किया है कि जनाब के प्राइस ऑफ वीट ये इंक्रीज़ हो रही है प्राइस ऑफ क्लॉथ हमने कहा कि फॉर एग्जांपल के वो अभी आ, ये क्या है ये कांस्टेंट है अगर आपका आर बढ़ेगा यहाँ तो ज़ाहिर बात है ये इफ़ेक्ट इसके ऊपर भी आएगा तो अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पर आर जो है वो नहीं बढ़ रहा है जब यह आर नहीं बढ़ रहा है और ये जनाब कॉन्स्टेंट रहना चाहिए तो इसका मतलब ये है कि आर सी ये सब एक ही रहेगा तो इट मीनस कि जो डब्ल्यू है एक्चुअली ये चीज़ जो है वो वो चेंज होगी यहाँ पर आर बढ़ गया है तो कांस्टेंट रहने के लिए इसके बराबर रहने के लिए कि यहाँ पर भी आर नहीं बढ़ रहा तो फिर क्या हो रहा है यहाँ डब्ल्यू जो है लाजमी तौर पर कम हो जाएगा तो एक फैक्टर इंडामेंट की वजह से एक फैक्टर की जो प्राइस है अगर बढ़ रही है तो दूसरे की फैक्टर की प्राइस जो है वो वहाँ पर कॉन्सटेंट रह रही होती है ठीक है और यही चीज़ जो है इसमें ये बताया जा रहा है इसके ऊपर फैक्ट्री इक्वलाइजेशन के ऊपर सॉरी जी हाँ द मोर अ फैक्ट्री स्पेशलाइज एंड कंसनट्रेट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट हुज इज इज फॉलिंग द मोर टाइम टू लूज चेंज जैसे मैंने कहा था उसके ऊपर प्रा, प्रा, प्राइस ऑफ क्लोथिंग जो है अगर कहीं पर आ, जो है क्या कहते हैं वो कॉन्स्टेंट है और हम ये कह रहे हैं कि नहीं जनाब कि इसकी प्राइस फॉर एग्जाम्पल नहीं बढ़ रही है लेकिन वीट की बढ़ रही थी क्योंकि वीट यू एस से एक्सपोर्ट हो रहा था तो दूसरी तरफ क्या होगा कि राइज जो 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 डलाइनिंग सेक्टर है उसका फैक्टर की प्राइस भी कम हो जाएगी जो कि डब्ल्यू है ये इसके ऊपर जो है इसमें ये इसी तरह से इसको सेक्सप्लेन किया गया है फैक्टर प्राइस एक असल में इसके लिए मैं चाह रहा था कि ये 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 इसके लिए बोर्ड हो अब मैं आपको थोड़ा सा एक सिंपली एक समझाने की कोशिश करता हूँ ना वी मूव टू दैक्स्ट स्लाइड और ये हम लास्ट जो हमने पढ़ा था चैप्टर फोर के अंदर वो ये चीज पढ़ी थी right? हमने राइट ये चीज हमने देखी थी आप सिर्फ ऊपर वाले को देखें एक तरफ वीट है एक तरफ क्लॉथ है इधर क्लॉथ है इधर वीट है ठीक है अब हो क्या रहा है कि जब ये ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे वीट तो इसके लिए क्या चीज चाहिए होगी ज्यादा लैंड चाहिए, ज्यादा लैंड चाहिए होगा जब ज्यादा लैंड चाहिए होगा तो क्या होगा रेंट बढ़ जाएगा और क्लॉथ के लिए ज्यादा लेबर चाहिए थी लेकिन अब जो उसकी प्रोडक्शन है जो पहले एस नॉट पे थी चालीस पे वो कम हो गई है तो इसका मतलब ये है कि ये जिसकी जिसका यूज कम हो गया है उसकी डिमांड कम हो गई तो इसका मतलब है क्लॉथ जो कि लेबर इंटेंसिव थी तो इसका मतलब है लेबर की प्राइस कम हो गई यही मतलब हुआ और इस तरह से दूसरी तरफ भी हो गया अब हम मैं जाता हूं जरा इस इसको दोबारा चेंज करता हूं कि यूएस के अंदर क्या हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ वीट इंक्रीज्ड इसका क्या मतलब हुआ डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज्ड ठीक है और डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज का क्या मतलब हुआ डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज का मतलब यह हुआ रेंट इंक्रीज यही हुआ अच्छा प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ डिक्रीज तो अगर मैं इसको करूं कि बिल आखिर क्या हो रहा है इसी अगर हम सिलसिले को चलाएं तो क्या होगा वेज डिक्रीज़ अब ये कि वेज कितनी डिक्रीज होगी रेंट कितना इंक्रीज होगा ये डिपेंड कर रहा होगा कि जनाब आप दूसरे मुल्क से क्या आप जो है वो तिजारत कर रहे हैं दूसरे मुल्क से आप क्या ट्रेड कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा यहाँ पर हम कह देंगे जनाब कि की वीट की बजाय क्या होगा यहाँ क्लॉथ आ जाएगा ठीक है अगर मैं यूएस मार्केट की बजाय कह दूं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तो रेंट इंक्रीज दूसरी सूरत में डिक्रीज यही होगा और बिल्कुल इसी तरह से यहां पर क्या होगा इंक्रीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर अब ये जब इतना इंक्रीज हो और वहाँ पर इतना इंक्रीज हो कि जनाब दोनों बिल्कुल एक जगह पर आके बराबर हो जाए एक तरफ कहीं पर कोई चीज़ डिक्रीज़ हो रही है लेकिन दूसरी तरफ इंक्रीज़ हो रही है इसी तरह से यू एस के अंदर जो है वो है रेंट इंक्रीज हो रहा है लेकिन वहाँ पर रेंट डिक्रीज़ हो रहा है रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड में रेस्ट ऑफ़ द वर्ल्ड के ये जो है वेज जो है वो इंक्रीज हो रही है और जबकि वहाँ पर डिक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का जो है एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि जनाब का ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा जब ये फ़र्क ख़त्म हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है वहीं पर जो है वो ट्रेड लेवल जो है वो आपका फिक्स हो जाएगा जनाब आपके ये लेवल है आपका और आपने इतनी ट्रेड जो है ये की है ठीक है ये फैक्टर इक्वलाइजेशन क्योंकि ये फैक्टर प्राइस की बात कर रहा होता है ठीक है ये आज हम यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं इसको तो वी विल सी यू इनशा